नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के सुबह के सत्संग में। आई होप आप सभी लोग जहाँ भी हैं, जिस जिस परिस्थिति में भी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। और ये जो एक सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, आपके सभी प्रियजन सभी उसका आनंद उठा पा रहे हैं। तो इसके साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। जी स्वाति जी। जी तो हमारा पहला प्रश्न एनोनिमस है। ये कह रहे हैं, प्रणाम श्री अनीश जी, मेरा स्वयं के प्रति विश्वास गलत है। अध्यात्म में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है। अज्ञान के कारण मैंने स्वयं का निर्माण सही तरीके से नहीं किया। अब कैसे एक सहयोगी चरित्र का निर्माण किया जाए जिसमें मेरा और मेरे आसपास सभी का भला हो। सुंदर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात बिल्कुल ठीक है कि अध्यात्म की शुरुआत या आध्यात्मिक जीवन की, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वो चरित्र निर्माण पे टिकी है। इसीलिए अगर आप देखें तो अष्टांग योग जो बना भारत में, महर्षि पतंजलि ने जो बनाया, उसके जो पहले दो चरण हैं वो यम और नियम हैं। उसके बाद आगे जाके आसन, प्राणायाम और वो सारे जो जिसको हम योग समझते हैं वो आता है। बट ये शुरुआत होती है, क्योंकि अष्टांग योग एकदम आध्यात्मिक प्रोसेस है, इसलिए उसकी शुरुआत भी यम नियम से होती है। बट अमूमन मैं देखता हूं कि यम नियम पे हमारा ध्यान सबसे कम रहता है और हम सीधा आसन प्राणायाम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आपका प्रश्न उसी से रिलेटेड है। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम जाना तो सत्य की ओर चाहते हैं, आनंद की ओर चाहते हैं, बट हम हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, वो सब असत्य से जुड़ा होता है, हमें असत्य की तरफ खींचता है। तो एक द्वंद्व चलता है जीवन में। जाना सत्य की ओर है, बट आदतें और वो सब जो मुझे असत्य की ओर खींचती हैं, या मेरा चरित्र जो उस सत्य को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रांग इनफ नहीं है, वो मुझे असत्य की तरफ खींचता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है। मगर चलो, मैं एक चीज सुंदर दिखी इस प्रश्न के माध्यम से कि इस बात को आप एडमिट कर रहे हो, तो आपके अंदर ये सत्य तो है, आपके अंदर ये अभयता तो है कि आप इस बात को मान रहे हो, आप इस बात को कमिट कर रहे हो। तो ये पहला चरण है कि हम माने कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं तो अक्सर हम जहां खड़े हैं हम उसको नहीं देखते, हम जहां होना चाहते हैं हम अभी से मानने लग जाते हैं कि हम वहां हैं। हमारी सारी बातों में वो झलकने लगता है, हम लोगों के साथ अपने ज्ञान की बातें शेयर करने लगते हैं, क्योंकि कहीं हम भीतर में ये मानने लग जाते हैं कि जहां मुझे जाना है मैं वहां पहुंच चुका हूं, जिस सत्य के साथ मुझे जुड़ना है मैं जुड़ चुका हूं। ये हम पहले ही मानना शुरू कर देते हैं। तो आपने कम से कम इस बात को देखा कि आप खड़े कहाँ हो, और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यहां मैं खड़ा हूं और मुझे यहां से सत्य की ओर जाना है। तो ये बहुत, जैसे कहते हैं, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो आंख खुली आपकी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा चरित्र को समझते हैं। आपने प्रश्न पूछा कि अब चरित्र निर्माण हो कैसे, आगे सहयोगी चरित्र ये कैसे बने आगे। तो जरूरी है थोड़ा सा हम चरित्र यानी कैरेक्टर को समझते हैं। चरित्र की बुनियाद क्या है? आपका जो भी कैरेक्टर है आज, उसकी बुनियाद क्या है? कभी आपने देखा इसको ध्यान से, किस पे खड़ा है चरित्र? आपके चरित्र की बुनियाद है आपकी आदतें। जी, आपके चरित्र की बुनियाद है आपकी आदतें, आपके आदतों की बुनियाद है आपकी क्रिया। क्रिया जो आप बार बार करते हैं, कर्म जो आप बार बार दोहराते हैं, ये आपकी आदतों की बुनियाद है। और क्रिया की बुनियाद है आपके विचार, आपकी सोच।
यहां से ये सब प्रोसेस शुरू होता है। तो हम अपनी क्रियाओं, अपनी आदतों, अपनी सोच के गुलाम होके जिस तरह की हमारी सोच होगी वैसे ही हम कृत्य करेंगे। जैसे कृत्य करेंगे उनको बार बार दोहराएंगे, वो हमारी आदतें बन जाएंगी। इनको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस हैबिट, यानी आपके जानने बिना भी वो काम चल रहा है आपके थ्रू, आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये गुलामी की अवस्था है और इससे हमारा चरित्र बनता है, जो भी चरित्र बनता है। तो हमारा चरित्र अगर आप देखें तो असत्य का गुलाम हो गया है, झूठ का गुलाम हो गया है, आदतों का गुलाम हो गया है, मोह का गुलाम हो गया है, छोटे छोटे प्लेजर्स का गुलाम हो गया है, तमस का गुलाम हो गया है, कल कर लेंगे का गुलाम हो गया है। ये कहां से आई सारी जो गुलामी हमारे चरित्र में आई, या ये जो त्रुटियां हमारे चरित्र में आई, शुरुआत हुई आपकी सोच से। सोच को बदलेंगे तो चल के चरित्र बदला जाएगा। आपके प्रश्न में ये दिख रहा है कि आप सोच बदलने को तैयार हो, आप अपने विचारों पे काम करने को तैयार हो। उसी से तो विचार उत्पन्न हुआ होगा कि ये चरित्र मुझे सत्य की दिशा में नहीं लेके जा रहा, जैसा अभी तक मैंने चरित्र का निर्माण किया है। इसको सुधारना होगा, इसका निर्माण फिर से करना होगा वहीं से। तो देखना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से ये सोच उत्पन्न हुई, ये एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार से आपने कृत्य किया, आपने उसको लिखा, आपने स्वयं से मनन किया उसके ऊपर, आपने लिखा उसको, और अब लिख के आप उसके बारे में पूछ रहे हो। ये उस विचार से, उस ऑब्जर्वेशन, उस विचार से शुरू हुआ था। ये रूट होता है, जैसा मैंने बोला, जब आंख खुले तभी सवेरा। अब जब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, चरित्र का आधार आदतें, आदतों का आधार क्रियाएं, क्रियाओं का आधार विचार, अब जब ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो नए चरित्र के निर्माण करने का, एक अद्वितीय दैविक चरित्र का निर्माण करने का। आइडेंटिफाई करना आपकी, जैसा मैंने बोला, आदतें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। आदमी आदतों का गुलाम है, पूरा जीवन अपना देखो या किसी और का देखो। सर्टेन हैबिट्स हैं, कुछ आदतें हैं जिनके वश आपका पूरा दिनचर्या, पूरा जीवन चलता है। इनमें सुधार करना शुरू करेंगे तो एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। कैसे? सरल सा एग्जाम्पल, आप रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, ये एक आपकी आदत बना हुआ है, और फिर आप अपनी डेली एक्टिविटीज में लग जाते हैं, काम पे जाते हैं, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है। फिर आपको लगता है मुझे चिंतन मनन ध्यान स्वाध्याय का तो समय नहीं मिला। अब ये आदत है जो आपको एक ऐसे चरित्र का निर्माण नहीं करने दे रही जो श्रमी हो, जिसमें आत्मसंयम हो, जिसमें बल हो, जो बोले नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना शुरू करना है ताकि मैं अपने ध्यान, अपने पूजा पाठ की जो भी विधि है, अपने नाम जप की जो भी विधि है, मैं उसको करके उसकी ऊर्जा का विस्तार पूरे दिन में करना चाहता हूं। इसकी शुरुआत कहां से होगी, ऐसे चरित्र के निर्माण की शुरुआत कहां से होगी, जब आप ये तमस की आदत को छोड़ेंगे, अपने उठने का समय थोड़ा प्रीपोन करेंगे, 7 को 5 बजे बनाएंगे, क्योंकि अब आप अमृत काल में उठ रहे हो। अब ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा आपकी मदद कर रही है आपके आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण करने में। ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा, ये सुबह के क्षण सूर्योदय से पहले ये मदद कर रही है आपकी, आप उसका लाभ उठाओ। छोटी छोटी आदतों में संशोधन करके आप एक बड़े सुंदर चरित्र का निर्माण कर पाओगे। इस बात को बहुत बांध लो, आदतों की गुलामी है आदमी, आदतों में संशोधन करके ही उसकी दिनचर्या, उसके एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। दूसरी बात, बहुत बल है आदमी के पास, कमजोर मत समझो अपने आप को। जो ठान लिया, जिस चीज की प्रतिज्ञा ले ली, ये पूरा जगत जुट जुट जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए।
तो प्रतिज्ञा ले लो, आज इस सत्संग के बाद इसको सुन के, तुमने पहले लाइन बोली कि चरित्र मेरा ठीक से निर्माण नहीं हुआ, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमने बात शुरू की है, इसको बदलते हैं, अपने बल को समझते हैं, ईश्वर की शक्ति को समझते हैं कि जहां इनवोक की ईश्वर की शक्ति काम बन गया, अपने बल पे आपको बहुत विश्वास हो, इस बल को जिस दिशा में लगाओगे उस दिशा में जीवन की ऊर्जा बहने लगेगी, विल पावर इसको बोलते हैं, इस विल पावर का उपयोग करके प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञावान बनो, और छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से शुरू करना, कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मत लेना। गलती हम ये करते हैं, हम बड़ी प्रतिज्ञा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे आज से सत्य बोलूंगा, ये बड़ी प्रतिज्ञा ले ली आपने। सत्य बोलना चरित्र निर्माण का अहम अंग है, बट ये एकदम से डे वन पे आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि रोज जीवन में, रोज दिन में 500 बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप आदतवश झूठ का सहारा ले लेते हो अपनी वाणी में, आदतवश। अब ये जितनी बार आप झूठ का सहारा ले रहे हो, उस हर बार आपको अवेयर होना है, और अगर बड़ी प्रतिज्ञा ले ली कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सत्य ही बोलूंगा, और उसके बावजूद भी दिन में 2-4-5 बार झूठ निकला आपके मुख से, आपकी विल पावर और आपका मोटिवेशन टूटने लगता है, आपके मन में ये बात, आपका दिमाग, आपका मन आपको ये विश्वास दिलाने लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। देखा कभी ऐसा करके तुमने? मन बार बार तुम्हें बोलता है कि यार ये मैं करना तो चाहता हूं बट हो नहीं पा रहा है मुझसे, वो तुम्हें नेगेटिव में लेके जाएगा, वो तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बलहीन हो। ये ट्रिक है माइंड की, मन की ये ट्रिक है तुम्हें उलझाने की। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुमने डे वन पे, अभी तो फाउंडेशन बनाने का समय है, तुमने बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, छोटी छोटी प्रतिज्ञा लो, जैसे तुम्हें चाय पीने का बहुत शौक है, तुम प्रतिज्ञा लो आज सुबह से शाम तक चाय नहीं पीऊंगा, छोटी प्रतिज्ञा, कोई बड़ी बात नहीं कर ली तुमने, बट इस प्रतिज्ञा को जब तुमने साधा और शाम तक तुमने चाय नहीं पी, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हृदय को दिखा कि ये आदमी बलवान है, तो तुम्हारे चरित्र में बल ऐड हो गया। तुम बात समझ पा रहे हो? तुम्हारे चरित्र में मैं अपनी बात का अडिग हूं, सत्य बोलता हूं और उस सत्य के साथ जीता हूं, इस बात ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया, तुम्हारे चरित्र में एक क्षमता आ गई, एक बल आ गया, तुम्हें लगा कि तुम भी सत्यवान हो सकते हो एक छोटी प्रतिज्ञा लेके। तो इसी तरह छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लेना शुरू करो, छोटे से ही बड़ा बनता है, फिर इन प्रतिज्ञाओं को थोड़ा बढ़ाना, इस एक दिन चाय ना पीने को 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना, इसको धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो गए। इस धीरे धीरे एक एक बूंद को जब अपने चरित्र में संयम में लाना शुरू करोगे, तो तुम देखोगे बात बनने लगेगी, चरित्र बलवान होने लगेगा, चरित्र की पुरानी आदतें, तमस की आदतें टूटने लगेंगी, तुम स्वयं के मालिक बनने लगोगे, आदतों से मुक्त होने लगोगे। स्वयं की मालकियत है यहां इंपॉर्टेंट। जिसका चरित्र बलवान होता है, आध्यात्मिक दैविक होता है, उसको तुम देखोगे वो स्वयं का मालिक है, वो किसी चीज, किसी विषय वस्तु, किसी विचार, किसी परिस्थिति का अधीन नहीं होता है, उसकी मालकियत अपने ऊपर होती है। ये है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया। धीरे धीरे इस बात को समझो, धीरे धीरे इस बात को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बिल्ड करना शुरू करो, और देखना फिर साथ में
आनंद प्रवेश करने लगेगा चरित्र में। इस चरित्र निर्माण को संघर्ष मत बनाना, ये संघर्ष का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है। इसको ऐसा समझो, तुम्हारा चरित्र एक मंदिर है और तुम्हें सेवा मिली रोज सुबह इस मंदिर जाके अपने प्रिय कृष्ण का, अपने शिव का, अपने हनुमान का, अपने राम का श्रृंगार करने की। तुम्हें सेवा मिली है उस मंदिर में, जो मूरत है तुम्हारे देवता देवी की, उसका श्रृंगार करने की। संघर्ष से तो नहीं करोगे इस श्रृंगार को, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत प्रार्थना पूर्ण जाओगे, मंदिर में प्रवेश करोगे, झाड़ू लेके धीरे धीरे धूल धपट हटाने लगोगे मंदिर की, प्रेम पूर्वक, हर समय ईश्वर का ध्यान करते हुए तुम ये सारा मंदिर की सफाई करोगे, पुराने सूखे फूल हटाओगे धीरे धीरे। तुम जल्दबाजी में नहीं करोगे ये काम, नए फूलों को नए जल से अपने अपने शिव का फिर से तुम श्रृंगार शुरू करोगे, नए फूल अर्पित करोगे, नई ज्योति अर्पित करोगे, नई धूप अर्पित करोगे, नए फल अर्पित करोगे और एक सुंदर श्रृंगार करोगे। तो चरित्र निर्माण को भी इसी तरह से देखना, संघर्ष का विषय नहीं है, श्रृंगार का विषय है। जिस चीज को भी, जिस काम को भी प्रेम और सुंदरता से शुरू करोगे, तो प्रेम और सुंदरता ही उसका परिणाम भी बनेगी। जहां से शुरू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं हम। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता से शुरू करो इस प्रक्रिया को, प्रेम से शुरू करो। जब तुम्हें जीवन में डिसिप्लिन भी साधना है, क्योंकि डिसिप्लिन चरित्र का एक बड़ा अहम अंग है, उस डिसिप्लिन को भी संघर्ष से मत साधना, प्रेम प्रतिज्ञा प्रार्थना से साधना। अगर डिसिप्लिन बनाना है रोज सुबह 5 बजे उठने का, तो प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा के साथ, प्रार्थना के साथ, तो तुम देखोगे बात बनने लगेगी। क्योंकि संघर्ष सस्टेनेबल नहीं होता है, ये संघर्ष की प्रॉब्लम है। एक बार, 2 बार, 3 दिन तो तुम संघर्ष कर पाओगे अपनी वृत्तियों से, अपनी आदतों से, अपने तमस से, बट तुम इस संघर्ष को सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर युद्ध छिड़ा रहेगा हर समय। उस रास्ते नहीं जाएंगे, ऊर्जा का ऊर्जा लीक होने लगती है उस रास्ते में, संघर्ष ऊर्जा को खींचने लगता है। तो प्रेम प्रतिज्ञा प्रार्थना के मार्ग से चल के इस चरित्र का धीरे धीरे निर्माण करेंगे, और तुम देखना फिर ईश्वर की प्रकृति की पूरी शक्ति तुम्हारे ही चरित्र का निर्माण करने में लगेगी। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भला है, दैविक उद्देश्य है तुम्हारा, तुम चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक जीवन के लिए कर रहे हो, ये दैविक उद्देश्य हो गया। दैविक उद्देश्य जब भी साधोगे तो दैविक शक्तियां भी आके उस उद्देश्य में तुम्हारी मदद करेंगी। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर धीरे धीरे निर्माण की प्रक्रिया शुरू करो, पूरा जगत, पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद श्री जी। हम हमारा अगला प्रश्न गुरुग्राम से पूछ रहे हैं साधक। ये पूछ रहे हैं, वर्तमान में इस क्षण में कैसे रहें, यह छूट छूट जाता है, मार्गदर्शन दीजिए। अरे मन को बड़ी उड़ाने भरने की आदत है, बड़ी उड़ाने, उसको जो इस समय तुम हो, जहां इस समय तुम हो, जिस परिस्थिति में तुम हो, उसको ये कुछ पसंद नहीं है। तुम स्वर्ग में भी होगे, बट मन को कोई एक उड़ान और लेनी होगी। मन मतलब उड़ान, वह तुम्हें जहां हो वहां खुश नहीं रहने देना चाहता। उड़ान वह तुम्हें प्रेरित करता रहेगा, कहीं और चल, कुछ और कर, ये क्या कर रहा है जीवन में,
वो तुम्हें भटकाने का सारे प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसका रीजन एक ही है, उसका काम एक ही है कि कैसे कैसे तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाए। उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा जाल ये है वर्तमान से दूर लेके जाने का। जब तुम किसी का कपट समझ जाते हो तो उससे डील कर पाते हो तुम। तो मन के कपट को पहले समझना जरूरी है। वर्तमान में आएंगे अभी हम, वर्तमान की विद्या में आएंगे अभी हम, बट पहले मन के कपट को समझो। मन जीता कैसे है? वो कल में, परसों में, या बीते कल में जीता है, या आने वाले कल में जीता है। अभी तुम यहां हो, इस सत्संग में हो, इन वचनों को, इस वाणी को सुन रहे हो, क्या इसमें तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है इस मोमेंट पे? नहीं, तुम्हें बस बैठ जाना है, अपने मन को केंद्रित कर देना है इस क्षण पे। इसको कहीं जाने ही नहीं देना तुमने, क्योंकि सत्संग से सुंदर मेरे अनुभव में जीवन में कुछ नहीं होता। ये क्षण दैविक होते हैं, परमात्मिक होते हैं। इन क्षणों को अगर तुम महसूस कर पाओ तो तुम ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हो सत्संग में, जहां सुनने वाला भी नहीं रहेगा, बोलने वाला भी नहीं रहेगा, बस ये समय रहेगा, तुम्हारे भीतर होना रह जाएगा, सिर्फ एक आनंदित अवस्था। तुम बस होगे, ना सुनने वाला है, ना कहने वाला है, ना बोलने वाला है, सब विलीन हो जाएगा। तुम इन शब्दों के भीतर प्रवेश कर जाओगे, ये संभव है सत्संग में। इसीलिए सत्संग की प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है, जब से अध्यात्म शुरू हुआ होगा पृथ्वी पे, तब से सत्संग चल रहा है। क्योंकि इस माध्यम से सबसे आसान है प्रवेश कर जाना। मुझे अक्सर मित्र आके बोलते हैं कि सत्संग सुनते हुए लगता है कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रश्नों का भी कोई वजूद ही नहीं है, ये प्रश्न तो ऐसे मानसिक से हैं, सब तो इतना सरल है, इतना आसान है, इतना सुंदर है, परेशानी किस बात की है? मैं हूं, आई एम, विदाउट दी आई, अहम के बिना ही तो मैं हूं। ये बात सत्संग में मित्रों को अनुभव होती है। बट मन, हम बात कर रहे हैं मन की, वो इन सत्संग के क्षणों में भी तुम्हें कहीं और लेके जाएगा, तुम्हें विचारों की दुनिया में लेके जाएगा, प्रयास करेगा तुम्हें ये कहने की, क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या ये बात ठीक है या ये गलत है, मैं मानता हूं इस बात को या मैं नहीं मानता इस बात को। तर्क वितर्क सुनने की प्रक्रिया के साथ लगाने की कोशिश करेगा मन, उलझाने की कोशिश करेगा मन, फिर सडनली घड़ी दिखाएगा मन, ओ इतना समय हो गया, ओ इतना समय बाकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कपट समझो मन का, एकमात्र काम उसका, वर्तमान में ना स्थित हो पाओ तुम। और जीवन कहाँ घट रहा है, तुम्हारी श्वास कहाँ चल रही है, पिछले कल चल रही थी क्या, या आने वाले कल चलेगी तुम्हारी श्वास? तुम्हारी श्वास इस मोमेंट में चल रही है, इस क्षण में चल रही है, यानी यानी जीवन इस क्षण बह रहा है तुम्हारे भीतर, बस तुम उसके साथ नहीं हो। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। इस बहते हुए जीवन का, जो इस क्षण तुम्हारे भीतर बह के तुम्हें द्रवित कर रहा है, तुम्हें मुक्त कर रहा है, हर प्रतिपल जीवन तुम्हें मुक्त कर रहा है, तुम उसके साथ ऊर्जा लगाना चाहते हो, या तुम अपने मन के साथ चेतना को जोड़ना चाहते हो? चेतना जुड़ेगी कहीं ना कहीं, चेतना का स्वभाव है जुड़ जाना, आइडेंटिफाई होना। तुम अपनी चेतना को अगर अपने मन के साथ जोड़ के रखते हो सदा रोजमर्रा के जीवन में,
सुबह से शाम तक तुम्हारी चेतना तुम अपने मन के विचारों के साथ जोड़ के रखते हो। कई लोग देखते हो जिनको विचारों में आनंद आता है, चाय की चुस्की ले रहे हैं बट आंख कहीं और देख रही है, भोजन का निवाला खा रहे हैं आंख कहीं और देख रही है, क्योंकि मन कोई जैसे वो गायें चबाती रहती है, मन किन्हीं और विचारों को चबा रहा है, वो उस जगह नहीं है। ये लोगों की आदत बन जाती है, लोगों को इसमें आनंद आने लगता है। तो हुआ क्या, अनकॉन्शियसली चेतना को मन के साथ जोड़ते हैं हम रोजमर्रा के जीवन। तो ध्यान में भी फिर यही घटता है हमारे साथ कि चेतना बार बार मन के साथ जुड़ती है। चेतना को जुड़ना किसके साथ है, इस क्षण के साथ, इस श्वास के साथ। इसीलिए ध्यान की गहरी से गहरी विधि श्वास से जुड़ी है, सांस से जुड़ी है, क्योंकि एक ही चीज है जिस पे तुम पकड़ सकते हो, जो इस क्षण तुम्हारे जीवन को ऊर्जावान कर रही है, वो तुम्हारी श्वास है। तुम जोड़ो चेतना को, चेतना यानी तुम्हारी अवेयरनेस, तुम अपनी अवेयरनेस को जोड़ो इस क्षण की श्वास के साथ। अभी पीछे मैंने बात की आदतों की गुलामी की। अगर मन बुरी आदतों की गुलामी कर सकता है, तो हम उन आदतों को शिफ्ट करके इस क्षण में भी तो ला सकते हैं। हम ऐसी आदतों का भी तो निर्माण कर सकते हैं कि जब मैं बैठा मेरी चेतना मेरी स्वास्थ्य से जुड़े, ये सतत प्रक्रिया बन जाए मेरे जीवन की, ये सतत आदत बन जाए मेरी। आदत सुंदर भी हो सकती है, ये सतत आदत बन जाए मेरी, ये भीतर से मुझे आनंद देने लगेगी। तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी चेतना तुम्हारी अवेयरनेस इस क्षण पे टिकने लगेगी। फिर से दोहराता हूं, इस बात को पकड़ लो, चेतना का मूल स्वभाव वो कहीं जुड़ेगी। तुमने मन से जोड़ दिया चेतना को तो जीवन बाहरगमी हो गया, भटकाव में गए, विचारों की जंजाल, विचारों के जालों में फंस गए, क्योंकि चेतना को तुमने मन से जोड़ दिया। और चेतना को इस मोमेंट, इस श्वास, इस क्षण से जोड़ दिया तो अंतर यात्रा शुरू हो गई, आनंद बहने लगेगा भीतर, इस हर श्वास के साथ आनंद बहने लगेगा, चिंता मुक्त होने लगोगे। यही चेतना तुम्हें चिंता मुक्त कर देगी, इस क्षण में स्थित होने लगोगे। ये कीमिया, इसको सीख लो। करें कैसे इसको, तुमने पूछा कि वर्तमान को तुम साधते हो बट मन बार बार भटक सा जाता है, ऐसा होगा क्योंकि जन्मों की आदत है, चेतना मन से जुड़ी है, छोटी सी प्रक्रिया। जब जब याद आ जाए कि ये ली मन ने एक उड़ान, फिर से मन को उड़ान लेने की आदत है, तब तब उसको पकड़ के वापस इस क्षण पे ले आओ। इस बात को मेरे मित्र याद रखो, तुम्हारा जीवन इस क्षण बह रहा है। कल ये श्वास आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, अगले पल ये श्वास आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर ही बह रहा है इस मोमेंट, इस क्षण। जब चेतना यानी अवेयरनेस मन के साथ हो, तुम्हें दिखेगा कि ये ली उड़ान मन ने, फिर से पकड़ के उसको सांस पे ले आओ, या उस कृत्य पे ले आओ जो कृत्य तुम कर रहे हो। जैसे इस समय तुम इस वाणी को सुन रहे हो, ये कृत्य हो रहा है एक्टिव लिसनिंग का। तुमने चेतना को सुनने की प्रक्रिया के साथ जोड़ रखा है। इस अगर ये जुड़ा रहा, तुम्हारी चेतना इस सुनने की प्रक्रिया से जुड़ी रही, तुम इसमें गहरे उतर जाओगे, ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ बदल देंगे। तो जैसे ही मन उड़ान भरे, फिर से चेतना को पकड़ के इस क्षण में ले आओ, इस क्षण में, इस श्वास में, इस क्षण में जो भी कृत्य कर रहे हो फिर से उस पे ले आओ। वन पॉइंटेड फोकस, वन पॉइंटेड अटेंशन। जैसे कि इस समय पृथ्वी पे कुछ और हो ही नहीं रहा, इस समय इस पृथ्वी पे तुम्हारे लिए बस ये सत्संग ही एक सत्य है।
तुम्हारा सुनना ही एकमात्र सत्य है इस क्षण में इस पृथ्वी पे तुम्हारे लिए। सब कुछ एक कर दिया, अलाइन कर दिया तुमने अपने भीतर। आहा, आहा का क्षण आ जाएगा, आहा का आनंद आ जाएगा। बस इतना ही है अध्यात्म, बस इतना ही सरल है अध्यात्म। और वाकई ही इतना सरल है, कहने के लिए नहीं बोल रहा, अपने जिए अनुभव से बोल रहा हूं, बस इतना ही है। हाँ, मगर तमस में कुछ शायद रस मिलता होगा, जो तमस मन की उड़ानों को कुछ नया रुख दे देती है और हम बहक जाते हैं उसमें। शराब पीते हैं लोग, कोई आनंद तमस का तो मिलता ही है शराब में। हाँ, सुबह उठ के बहुत सिर दर्द होता होगा, बट उस क्षण कुछ, वो जो क्षणिक सुख मिल रहा है शराब का, वो तमस में खींच लेता है आदमी को। हमें क्षणिक सुख नहीं चाहिए, हमें क्षण क्षण में जीना है, ताकि हम सुख से परे अनंत आनंद में प्रवेश कर पाए। तो ये यात्रा है क्षणिक सुख से क्षण क्षण जिए हुए आनंद की, क्षण क्षण समेटे हुए साधना के आनंद की। क्षणिक सुख की साधना नहीं है, और ये इतना ही सरल है जितना तुम्हें इस समय इस बात को, इस वाणी को सुनते हुए महसूस हो रहा है। विश्वास करो मुझ पे, ये इतना ही सरल है। एक एक कदम बढ़ाते जाओ आगे, जब जब दिखे मन ने उड़ान ली। कुछ नहीं मिला आज तक किसी को उन मन की उड़ानों में जाके। लाइफ बिकम्स जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बस एक सोच की परिकल्पना बन के रह जाता है उनका जीवन। नहीं, जीवन सोच की परिकल्पना नहीं, एक परिकल्पना नहीं है जीवन। जीवन सत्य है, जीवन मोक्ष है, जीवन आनंद है, जीवन ही मोक्ष है। जीवन के बाद नहीं है कोई मोक्ष। और ये कहाँ मिलता है सब कुछ, ये जीवन, ये आनंद, ये मोक्ष, ये सत्य कहाँ मिलता है? ये यही मिलता है, इसी क्षण में मिलता है। 5-10 साल की तपस्या करके नहीं मिलता है, इसी क्षण मिलता है। तपस्या का भी टाइम फ्रेम 5-10-15 वर्ष नहीं होता, यही क्षण होता है। जो हो रहा है, तपस्या, साधना, मोक्ष, आनंद, प्रेम, प्रार्थना, दर्शन, वो सब इसी क्षण में हो रहा है। इस बात को खोलेंगे तो और बहुत गहरे जाना होगा, बस अभी के लिए इतना समझ लो, यही एक क्षण है तुम्हारे पास। या तो कल्पनाओं में जी लो या सत्य में जी लो, और धीरे धीरे चेतना को सत्य के साथ जीने की आदत डालो। सत्य यानी ये क्षण, जब जब उड़ान भरे तुम्हें दिखे उड़ान, वापिस उसको लौट के सत्य पे ले आओ, इस क्षण पे ले आओ। इतना ही करना है, एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते भवन का निर्माण हो जाएगा, मंदिर तुम्हारे भीतर का मंदिर बन जाएगा। आज से शुरू कर दो। पूरी प्रकृति तुमसे बस यही चाहती है कि कल्पनाओं को छोड़ के क्षण में जीने लगो, यही चाहती है पूरी प्रकृति तुमसे। और यही योगदान होगा तुम्हारा इस प्रकृति को और सुंदर बनाने में, कि इस क्षण में जीना सीख लो। मदद करेगा ये सत्संग बहुत, अगर सुना और सुन ही लिया तो। धन्यवाद। स्वाति, जी श्री जी, हमारा अगला प्रश्न अब हम पूछेंगे आपसे। ये दिल्ली से पूछ रहे हैं हमारे साधक मित्र। ये पूछ रहे हैं, प्रसन्नता क्या है और व्यस्तता भरे जीवन में स्वयं को प्रसन्न कैसे रखें? क्या बात है, पिछले प्रश्न से जुड़ा सा सवाल है ये। प्रसन्नता होती क्या है? अद्भुत प्रश्न पूछा मित्र आपने, जिसने भी पूछा कि बात तो करते हैं हम खुश रहो खुश रहो, बट ये खुशी बला क्या है? ये ऐसा सा कुछ प्रश्न है। अच्छा है, इसको जान ले, आज समझ ले, ये प्रसन्नता क्या है? एक स्टेटमेंट में बोलूं,
बोझ रहित हो जाना प्रसन्नता है। जी हाँ, जब तुम्हारे भीतर किसी भी चीज का बोझ नहीं रह गया। अभी तुम देखो, तुम्हारे भीतर बड़े सारे बोझ हैं। यह करना है, वह करना है, वहां जाना है, यहां जाना है, ऐसा हो जाना है, इसको पा लेना है, बड़े बोझ हैं। इस रिश्ते को खुश कर देना है, ये जो ठीक नहीं चल रहा है इसको ठीक करना है। हम सब चीजों को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं, बड़ा बोझ है ये परफेक्ट करने का। हम रिश्ते परफेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी बाहर की परिस्थितियां परफेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी नौकरी अपना व्यापार परफेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने शरीर को परफेक्ट करना चाहते हैं, हम बस कुछ चाह ही रहे हैं सदा। और इन सब चाहतों का एक बोझ सा है हमारे ऊपर। फिर वही बात, मैं जैसा हूं स्वयं को स्वीकार ही नहीं हूं, जैसी परिस्थिति है, जैसा जीवन है वो स्वीकार ही नहीं है। हर चीज का एक बोझ लिए चल रहा हूं, और अब इस बोझ में मैं प्रसन्न कैसे रहूं, अब ये सवाल सवाल खड़ा होता है। योग की भाषा में देखो, पांच लेयर्स हैं तुम्हारे शरीर की भी, और जो सबसे भीतर की लेयर है, ये शुरू होता है बाहर की लेयर, जिसको बोलते हैं अन्नमय कोश, जो भोजन से बना शरीर, स्थूल शरीर। और जो सबसे भीतर का तुम्हारा शरीर है वो है आनंदमय कोश, आनंद का शरीर। क्या भाव हुआ ये कहने का, तुम हो तो आनंद ही, भीतर से तुम्हारा जन्म ही आनंद से हुआ है। तुम्हारा भीतर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी इंटीरियोरिटी आनंद है, जिसको तुम प्रसन्नता बोल रहे हो। यू आर दैट, तुम वही प्रसन्नता हो जिसको तुम बाहर खोज रहे हो, विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में खोज रहे हो इस प्रसन्नता को। यही प्रॉब्लम है, ये जो खोज है प्रसन्नता की, ये बोझ क्रिएट करती है। देखो बड़े ध्यान से, उस दिन एक न्यूज पढ़ रहा था, भारत में एक नया एप्पल का फोन लॉन्च हुआ। लोग पिछली रात से लाइन लगा के खड़े थे उस फोन को लेने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम पहले लोग बन गए इस फोन का भोग करने में, तो हम प्रसन्न लोग होंगे। वो जो फोन से प्रसन्नता मिलनी है, उस वजह से रात की गर्मी ठंड में खड़े होके, पूरी रात खड़े होके कष्ट में काट दिया उन्होंने। बात समझ रहे हो, वो बोझ था कि आज मैं ये कर पाऊं तो कल प्रसन्न हो जाऊं। तो कल की प्रसन्नता ने आज तुम पे बोझ डाल दिया। बात समझ पा रहे हो तुम, हर चीज तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में एक बोझ की तरह काम कर रही है। मैं देखता हूं लोग अगर व्रत भी धारण करते हैं कि कल उपवास रखूंगा, ये भी बोझ हो जाता है उनके ऊपर, क्योंकि वेट कर रहे होते हैं कब 24 घंटे खत्म हो और वो अपना व्रत तोड़ के, अपना उपवास तोड़ के भोजन ग्रहण कर पाए। ये कैसा उपवास, ये कैसा व्रत, जो बोझ बन गया, फिर से भार बन गया। देखना अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का कितना भार तुमने इकट्ठा कर रखा है अपने ऊपर। ये भार विहीन हो जाना प्रसन्नता है। तो क्या करें, व्रत करना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, लोगों को प्रॉमिस करना छोड़ दें कि कल आपके पास आऊंगा, क्या सब छोड़ दें, क्योंकि आप तो कह रहे हो हर चीज बोझ बन जाएगी। नहीं, तुम इस क्षण में जीना सीख लो तो तुम बोझ, सभी बोझों से मुक्त हो जाओगे। तुम स्वीकारिता सीख लो जीवन की, जो है जैसा है स्वीकार है। किसी मित्र ने बोला कल भोजन पे आओ ना हमारे घर, स्वीकार है, आएंगे जरूर, प्रेम अगर है तो जरूर आएंगे, बट बोझ की तरह नहीं आएंगे, उत्सव की तरह आएंगे। बात समझ रहे हो तुम, ये जो कमिटमेंट है तुमने इसको उत्सव बना दिया। अब तुम इस बोझ से मुक्त हो गए, तुमने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, उसका गेस्टॉल चेंज कर दिया। उत्सव है, नाचते हुए प्रेम पूर्वक आएंगे कल तुम्हारे घर, भोजन करेंगे साथ में। यही बोझ, बोझ उत्सव बन गया।
तो प्रसन्नता में आ गए हो तुम। इस तरह किसी भी चीज को देखना, तुम नौकरी करते हो, अभी बड़ा बोझ लगता है, रोज सुबह काम पे जाना पड़ता है, श्रृंगार, ईश्वर ने ये तुम्हें सेवा दी है श्रृंगार की, उस श्रृंगार का स्वरूप है ऑफिस में जाके काम करना। आज की परिस्थिति में ये तुम्हारी नियति है, स्वीकार कर लेता हूं इस नियति को, बोझ खत्म। ऑफिस जाना, मंदिर जाना एक हो गया, बैठ के वहां काम करना, श्रृंगार करना एक हो गया, पर्सपेक्टिव बदल दिया, कुछ भी बोझ नहीं है, सब कुछ मेरे जीवन में मैं एक उत्सव की तरह करता हूं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह करता हूं, प्रसाद की तरह देखता हूं हर चीज को। मेरी क्या औकात थी जो मुझे ये नौकरी मिल गई, इतना धन मिल रहा है मुझे, मेरी क्या औकात थी? तो इसको मैं जीवन में प्रसाद की तरह ग्रहण करता हूं, ये प्रसाद है ईश्वर का। ओहो, आज नौकरी चली गई, प्रसाद है प्रभु को, इसमें भी कोई लीला है प्रभु की। जो मिला है वो प्रसाद स्वरूप मिला है, जो मिल रहा है वो प्रसाद स्वरूप मिल रहा है। तो प्रसाद में मांग थोड़ी होती है, तुम्हारा जीवन मांगों की एक लंबी श्रृंखला बन चुका है, देखना इस बात को। मैं बोलता हूं, अपने जीवन को मांगों की श्रृंखला मत बनाओ, प्रसाद की श्रृंखला बनाओ। प्रतिपल कोई प्रसाद मिल रहा है तुम्हें, कुछ प्रसाद मीठे फल है, कुछ प्रसाद थोड़ी नीम की पत्तियां हैं, इतना ही तो फर्क है। जैसे मीठे फल प्रसाद ले लिए, ऐसे ही ये नीम की पत्तियां भी प्रसाद ले लो। कोई रोग आया, कोई दुख आया, वो नीम की पत्तियां प्रसाद है, उनका भी कोई महत्व है तुम्हारे जीवन में, तभी मिला है। अगर नीम की पत्तियों का महत्व नहीं होगा तो नहीं मिलेंगी वो। जो मिल रहा है उसका महत्व है मेरे जीवन में, बस मेरी आंख देख नहीं पा रही है इस बात को। क्यों क्यों मेरी आंख देख नहीं पा रही है इस बात को? क्योंकि मैंने तो अपने जीवन को एक मांगों की लंबी श्रृंखला बना रखा है। तो मांग और प्रसाद ये साथ साथ कैसे चलेगा? मांग मतलब बोझ, प्रसाद मतलब बोझ रहित हो जाना। मांग मतलब प्रसन्नता मिलेगी मांग पूरी होने पे, प्रसाद मतलब प्रसन्नता सतत मिल रही है मेरे कुछ किए बिना भी, हर क्षण ये प्रसन्नता मिल रही है। तो बोझ रहित हो जाओ, अपने हृदय को सभी बोझों से मुक्त कर दो। और उसका फॉर्मूला भी दिया मैंने तुम्हें, इन बोझों से मुक्त कैसे होगे? प्रसाद, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया प्रसाद है, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से गया प्रसाद है, उसका काम पूरा हो गया, तुम्हारे साथ का कार्मिक डेट, कार्मिक बंधन पूरा हो गया, चला गया, लेन देन कंप्लीट, वो चला गया, प्रसाद है। अच्छा धन मिल गया, प्रसाद है, प्रसाद की तरह बांट दो, प्रसाद बटता है। कम धन है, प्रसाद है, तब भी बांट देना। अच्छा शरीर सेहत मिली, प्रसाद है, उपयोग कर लो। शरीर में रोग आ गया, प्रसाद है, रोग के माध्यम से देख लो ये नश्वर है, ये नश्वर है। तो पॉजिटिव जो मिल रहा है प्रसाद यानी मीठे फल, उनका उपयोग कर लो। जो कड़वे फल मिल रहे हैं उनसे जीवन का सत्य देख लो। दोनों प्रसादों को तुमने अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग कर लिया। प्रसन्नता, प्रसाद मीनिंग प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है? प्रसाद ग्रहण करना जीवन का प्रसन्नता है, मांग बोझ रहित हो जाना प्रसन्नता है, एक ऐसी स्थिति में जीना जब मेरी कोई मांग ही ना बचे, जो है जैसा है, सुंदर है, अद्भुत है, स्वीकार है प्रेम पूर्वक, प्रसाद की तरह प्रसन्नता। अब ये प्रसन्नता तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे रोम रोम में बसने लगेगी। अब तुम आनंदमय कोष पे जाके अपने जीवन को ऑपरेट करने लगोगे, अन्नमय कोष पे नहीं। अन्नमय कोष का तिरस्कार नहीं करोगे,
रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि अन्नमय कोष यानी ये शरीर, ये स्थूल भी प्रसाद ही तो है। प्रसाद मिलता तो फेंक देते हो क्या, निरादर करते हो क्या प्रसाद का? नहीं, अगर खाना नहीं भी होता तुमने तो चींटियों को पक्षियों को डाल देते हो। देखा मैंने ऐसा लोगों को, चींटियों को पक्षियों को प्रसाद डाल देते हैं। कुछ लोग तो बांटने के लिए करते हैं, बड़ा सुंदर। कुछ लोगों को वो प्रसाद नहीं ग्रहण करना होता, डॉक्टर ने मना किया भाई मीठा नहीं खाना, तो प्रसाद को चींटियों को पक्षियों को डाल देते हैं, बांट तब भी रहे। पॉइंट, हर दृष्टि से प्रसाद का सम्मान किया जा रहा है, तिरस्कार नहीं। ये शरीर तुम्हारा प्रसाद, ये श्वास तुम्हारी प्रसाद, बाहर की परिस्थितियां तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारे संगी साथी प्रसाद, तुम्हारे सो कॉल्ड दुश्मन प्रसाद। परिस्थिति सुंदर प्रसाद, परिस्थिति थोड़ा दुख देने वाली प्रसाद, सुख दुख से परे है ये प्रसन्नता। जब जीवन प्रसाद की तरह दिखता है तो सुख दुख का जो तराजू है ना तुम्हारा, वो टूटने सा लगता है। तुम जीवन को सुख दुख के परे अनुभव करने लगते हो, और सुख दुख के परे क्या है? प्रसन्नता, आनंद। सुख दुख तुम्हारे सिर्फ अन्नमय कोष तक सीमित है, चलो थोड़ा मनोमय कोष पे भी सुख दुख है, आनंदमय कोष सुख दुख से परे का कोष है, ये आनंद प्रसन्नता का कोष है। मैं चाहता हूं तुम वहां जाके जीना शुरू करो, वह तुम्हारा तल बने जीने का, वह तुम्हारा केंद्र बिंदु बने जीने का, और वहां से विस्तार हो तुम्हारे जीवन का। आहा, फिर से आहा की घड़ी आएगी और बनी ही रहेगी। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, ये वचन प्रसाद, ये दूर एक कहीं कुत्ते की भौंक आ रही है मुझे इस समय यहाँ पे पता नहीं आप लोगों को स्पीकर में आ रही है कि नहीं आ रही। प्रसाद, सभी कुछ प्रसाद है यहाँ पे, कोई मांग नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य नहीं निभाओगे, तुम चरित्र निर्माण नहीं करोगे, इसका ये मतलब नहीं है। सब करोगे, तुम अपनी कमियां नहीं देखोगे, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, तुम अपनी कमियों को पूर्णता स्वीकार करके धीरे धीरे तुम देखोगे ये कमियां भी प्रसाद रूप में मिली हैं मुझे, और इस प्रसाद को मैं और सुंदर, इस पे मैं वो चांदी का वक्र अक्र जो भी बोलते हैं, चांदी का वो भी लगाना चाहता हूँ इस प्रसाद पे, सुंदरता को और सुंदर बनाना चाहता हूँ, अपने भीतर प्रकाश को और प्रकाशवान करना चाहता हूं, ताकि कोई भी छुपा त्रुटि अंधेरे का कॉर्नर रह गया वो भी प्रकाश से भर जाए। इसीलिए ये प्रसन्नता की ही यात्रा है, और प्रसन्नता का विस्तार अनंत है। प्रसन्नता रुकती ही नहीं है, प्रसन्नता का विस्तार अनंत है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, लिमिटलेस है ये जॉयफुलनेस, ये आनंद। इट ग्रोज एंड इट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो। कुछ शब्दों को अपने भीतर समेट लेना, ये तुम्हारे जीवन का नियम जैसा बन जाए तो तुम देखना क्या अद्भुत परिवर्तन आएगा तुम्हारे जीवन में। शर्त यही है कि ये कुछ शब्द, ये कुछ वचन तुम्हारे जीवन के नियम जैसे बने, लॉ ऑफ योर लाइफ, ये तुम्हारे जीवन के धर्म का आधार बने तो बात बनेगी। ये ऐसा ना रहे आज कर लिया कल नहीं किया तो नहीं बनेगी बात। ये मूल आधार हो तुम्हारे जीवन का, ये नियम हो तुम्हारे जीवन का। जैसा आग का नियम है ना, सतत ऊपर ही उठेगी, पानी का नियम है सतत नीचे ही बहेगा, ये प्रसन्नता, ये प्रसाद रूपी जीवन को जीना, ये तुम्हारे जीवन का नियम, लॉ बन जाए तो देखना कितना अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारे भीतर। चिंतन मनन ध्यान करना इन शब्दों पे, कुछ तो अद्भुत होगा जरूर। धन्यवाद धन्यवाद श्री जी जी स्वाति जी। लुकिंग एट द टाइम, जी कोई
लाइव क्वेश्चन है तो हम क्विकली देखते श्री हैं जी, कि आज हम एक प्रसन्नता भरी घोषणा भी करना चाह रहे हैं, फिर प्रश्न तो छोड़ते हैं, क्योंकि घोषणा और प्रश्न के लिए दोनों के लिए टाइम कम हो जाएगा। जी तो मैं भी तो घोषणा सुनना चाहता हूँ। क्या हाँ घोषणा है? जी, क्योंकि आपने मुझे वो बताई नहीं है अभी तक कोई घोषणा करने नहीं, ये वाली, सरप्राइज है, ये सभी की तरफ से आपके लिए भी सरप्राइज है तो आप देख पा रहे हैं, आज आप इस सत्संग में देख पा रहे हैं, ये सरप्राइजेस सिर्फ आपको नहीं मिलते हैं, ये मुझे भी मिलते हैं। तो जीवन प्रसाद है। अब पता नहीं सरप्राइज में क्या, ये नीम की पत्तियां मिलने वाली हैं या मीठे फल, ये तो ये स्वाति जी जानती हैं, बट मुझे स्वीकार है जी स्वाति जी जी, का। ओ, उसके लिए मैं आनंदी जी को बुलाऊंगी। आनंदी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। या ये काम मुझे दिया गया है कि सरप्राइज हम शेयर करें अनीश जी। तो श्री जी, आज हम आपको दो सरप्राइज देने वाले हैं, जो कि प्रसाद जैसे आपने कहा ही, तो मैं सबके सभी मित्रों के साथ साझा करना चाह रही हूँ। तो खुशी कहते हैं बांटने से बढ़ती है, तो आज हम इतना प्रसन्न हैं कि हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके और ये प्रसन्नता में चार चांद लग जाएं। तो दो सरप्राइजेस, दो प्रसाद। एक प्रसाद कि आज 3 नवंबर है और आज संडे है, और आज ही के दिन आज श्री अनीश हमारा ये सत्संग होता है, और आज ही अनीश जी का, श्री जी का, जिनको हम श्री जी बोल रहे हैं, उनका जन्मदिन अरे है। या आज उनका जन्मदिन है, और हम वैसे दिवाली से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि जब उनका असली जन्म हुआ था वो दिवाली के दिन हुआ था, तो 4 दिन से हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस जन्मदिन को लेके अनीश जी बहुत कुछ बताते हैं जो हमारे तक सीमित ना रहे, हम चाहते हैं वो आप को भी, आप सब के साथ, हम सब के साथ साझा करें। तो श्री जी, आपको ये सरप्राइज कैसा लगा हमारा ये प्रसाद? मुझे लगा कि हम ऐसी बातें शेयर नहीं करते हैं ज्यादा, बट आज आपने किया तो प्रसाद है, स्वागत है, ग्रहण करते हैं, मीठा फल है। जी मैं बहुत चाहती थी अच्छे। सभी मित्रों के साथ ये हम करें अपनी खुशी जाहिर। तो और पृथ्वी पे इस बार इस शरीर का जन्म हुआ था दिवाली की संध्या पे, आज से 49 साल पहले। और इसलिए जो लूनर चंद्र के हिसाब से जो मेरी जन्म तिथि आती है वो हर दिवाली संध्या को आती है, और जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से वो जो डेट है वो 3 नवंबर है। तो इसलिए हम सभी मित्र का मन है कि हम दोनों दोनों दिन खुशियां मनाएं। वैसे तो जीवन पूरा ही प्रसन्नता से भरा है, खुशियां तो हम रोज ही मनाते हैं, बट कुछ ऐसे दिन आते हैं, संघ में किसी का भी जन्मदिवस आता है, तो जन्मदिवस हमारे लिए हमारी मान्यता के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि एक एक ऑर्बिट कंप्लीट होती है जीवन की और एक नए ऑर्बिट में आप प्रवेश करते हो। तो ये दिन आपको दिया जाता है, ये क्षण मिलता है आपको अपनी ऑर्बिट चेंज करने के लिए। तो ये एक ऐसा दिन है जब आपने एक सर्कल पूरा 365 364 दिन का पूरा किया और अब एक नया सर्कल शुरू करने वाले हो। इस सर्कल की धुरी आप बदल सकते हो, इसको ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर जन्म दिवस एक एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक क्षण ऐसा मिलता है आप अपनी ऑर्बिट को बढ़ा सकते हो। और यह हमने बहुत मित्रों के साथ देखा, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको बहुत अनुभव किया कि कैसे चेतना इस ऑर्बिट के साथ अगर जुड़ जाए, आप इस बात को समझ पाओ, तो आप किसी और ऑर्बिट में प्रवेश कर सकते हो। ये गहरा विषय है, मैं बस इतना ही अभी तो बोलूंगा, क्योंकि मैं और भी सुनना चाहता हूँ बाकी क्या क्या प्रसाद मिल रहा है। जी बाकी आनंद जी, या बाकी प्रसाद आपने ही हमें दिया है, और उसको फिर हमने सजाया, और फिर हम आपको दोबारा वापस दे रहे हैं, तो उस प्रसाद को सुनना होगा हमें।
आपको मैं दिखाती हूँ हमने क्या बनाया है, और इसके अच्छा पीछे की एक पूरी जो आपकी एक फीलिंग है, कहानी, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो वो है हमारा, आपने जो हमें गिफ्ट दिया था दिखा रहे हैं जी अच्छा समझा यस श्री जी, ये है आपका गिफ्ट, श्री वाह शिवनाथ मंत्र जो आपने हमें सुनाया था, क्या और बात है क्या इसको अच्छा ये हमने तैयार हो आज ही गया रिलीज किया है। थैंक वाह वाह यू। वाह वाह अब आप बताएं हमें इसके बारे में। अच्छा तो ये भी दूसरा सरप्राइज दे रहे हैं आप आज तो ये जी बहुत ही अद्भुत मंत्र है इसका ये पहला एक नाद है जो मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है और आनंदी जी ने मिलके और इसको पूरा कंपोज किया इन्होंने मिलके इसके पीछे की एक कहानी बड़ी अद्भुत है जो मुझे लगता है मैं वो कहानी आपसे तब साझा करूं जब आप इसको सुन चुके हों तो अभी मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा ऑल दो शायद ये कहानी कहीं लिखी होगी इन्होंने जरूर क्योंकि ऐसी कुछ बात श्री हुई जी, हमने इसी ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में ये कहानी लिखी है, और हम चाहेंगे कि ये हम यहाँ भी एक थोड़ा सा सुने इसको, और साथ में आपके साथ मेडिटेशन करें इस मंत्र के साथ। वेरी गुड लेट्स डू दैट देन यस तो सभी मित्र आंख बंद कर लें थोड़ी देर के लिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बहुत अद्भुत आनंदी जी मैं बहुत अच्छे से नहीं सुन पाया वो आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी मुझे फॉर सम रीजन बट जी, आप ये आपको लिंक शेयर कर जी रहे हैं सभी मित्रों के साथ बिल्कुल बिल्कुल फिर एक बार बस जाने से पहले हम सभी एक दूसरे के दर्शन करते हैं सभी आप प्लीज अपना कैमरा एक बार खोलें
सुभाग्य एकदम सत्संग के सुंदर सुंदर चेहरे विवेक जी को देख पा रहा हूँ, प्रफुल्ल जी, रोमा, जयमाला जी, सविता जी, विनय, दिलीप जी, आशीष जी, अभिषेक, श्रेयास, कितने सभी मित्रों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। मधुकर श्री हैं, परम जी, परितोष हैं, कितने सभी मित्रों के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आनंदी, आप कुछ कह रही थी? मैं बोल रही थी कि आनंद की बात हो रही है और आज बहुत आनंद वाला दिन है, तो दो लाइन मैं आपको और भेंट करना चाहती हूँ और सभी मित्रों के साथ साझा करती हूँ। ये थोड़ी संगीतमय होंगी। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, तेरी रजा का आनंद, तेरी फिजा का आनंद, आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। धन्यवाद, थैंक यू। पारितोष जी लिख रहे हैं, तेरी सजा का भी आनंद, तो या आज तो सजा का प्रसाद। भी प्रसाद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। तो अगर हम हर चीज ही आनंद है, हर चीज ही प्रसाद है, तो फिर तो आनंद कंटिन्यूअस रहेगा। श्री जी का लग रहा है कनेक्शन लूज हो हाँ, गया है ना, है कनेक्शन ना? ड्रॉप हो गया है यस और सभी यस का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये दिन हम सभी श्री जी को अपना प्रेम दे पाए। और अगर आपके कुछ मैसेजेस हो तो आप ग्रुप पे जरूर शेयर करें, उनके लिए उनके जन्मदिन की कोई शुभकामनाएं, जैसा आपका दिल कह रहा है आप हमें भेजें और हम उनको जरूर पढ़वाएंगे। और सत्संग को लेकर भी कुछ आपके भाव अंदर, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, कैसा रहा, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।